तो हम पहुंच चुके हैं बुद्धा टेंपल। बुद्धा टेंपल बोले, बुद्धा गार्डन बोले या माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री बोले, बात एक ही है। गेट खुल चुका है, अब हम जाते हैं अंदर। गाइस उतर चुके हैं हम और बुद्धा टेंपल जाएंगे अब हम अंदर। आज हमारे साथ भैया भी आए हुए हैं। भैया हमारे साथ ऋषिकेश नहीं आए थे तो इसलिए हमने भैया से बोला अब हमारे साथ बुद्धा टेंपल चलो, तो हम भैया को ले आए। तो ये देखिए गाइस, ये है इधर का एंट्री गेट। अब एंट्री करते हैं हम। गाइस निशु भी व्लॉग बना रही है, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड। आपको लेके चलती हूँ थोड़ा आगे। पापा भी बहुत डेडिकेटेड है चैनल को लेके। और देखो गाइस फोटोशूट स्टार्ट हो गया। चलो गाइस अंदर लेके चलते हैं आपको, हम भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मेरे साथ पापा हैं। व्यू देखिए कितना शानदार है यहाँ का। गाइस इधर चप्पल उतारनी होती है, चप्पल उतारते हैं। मैंने चप्पलें रख दी हैं इधर। थोड़ा लेट आए तो हो सकता है कि ऊपर बंद हो जाए, इसलिए सबसे पहले ऊपर ही देख के आते हैं, चलते हैं। यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम आपको गेट से ही जूम करके दिखा रहे हैं कि यहाँ की बुद्धा जी की प्रतिमा कैसी है। नीचे चले गए हैं पापा। गाइस नीचे चलते हैं। चलो गाइस अब इधर को लेके चलते हैं। ये जो माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री है, ये खोचेन रिनपोंचे ने रीबिल्ड करवाया था। सो आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। वो जो स्टैचू हम आपको दूर से दिखा रहे थे, सो ये वही स्टैचू है। ये है धर्म चक्र या धर्मावील भी बोल सकते हैं। ये बुद्धिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट सिंबल होता है। जो डिवोटीज होते हैं उनको टेंपल में वाटर से ब्लेस किया जाता है, बिकॉज वाटर जो होता है उसको साइन मानते हैं प्योरिटी का, क्लैरिटी का एंड कामनेस का। गाइस चलो आपको एक और चीज दिखाती हूँ। इधर इधर रखी हुई है गाड़ी।
टेस्ट रखी हुई है। ये जो गाड़ी है ये दलाई लामा जी की है और इसलिए इधर रखी हुई है विंटेज। अब आपको लेके चलते हैं प्रेयर व्हील की तरफ। जो प्रेयर व्हील होता है उसमें ट्रेडिशनली एक मंत्र लिखा जाता है जिसे बोलते हैं ओम मणि पद्मे हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र होता है और बोलते हैं इससे एनलाइटमेंट मिलती है। पप्पी का नाम क्या है? मैनो। मैनो मैनो, वाओ सो क्यूट। अरे नाम क्या क्या है? नाम क्या है? चिंचिन। और चिंचिन लगी। हम टेंपल आए हुए थे और हमें ये क्यूट सी गर्ल्स मिल गई, बेबी गर्ल्स। आई गेस ये दोनों ट्विन्स हैं। सो अब इधर एक लास्ट फोटो लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी साइड चलेंगे। यहाँ देखिए पापा बिजी हैं फ़ोन में। यहाँ शायद मॉन्क्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रियल मॉन्क्स जो अपनी डेली की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। गाइज ये थी बुद्धा टेम्पल की एक साइड। अभी एक दूसरी साइड भी है जो दूसरी साइड है, तो अभी हम इधर से एग्जिट करेंगे थोड़ा आगे से, इधर बहुत चलना पड़ता है, और फिर दूसरी साइड ले जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर विजिट। तो अब यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और दूसरी साइड चलते हैं। अब हम घूम के आ गए हैं दूसरी साइड, बहुत चलना पड़ा हमको और पापा तो बात करने में ही बिजी थे। किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाएंगे तो उधर आपको बुद्धा जी अलग अलग मुद्राएं करते हुए देखेंगे, उनके स्टैचूज। तो ये जो सामने स्टैचू है ये अभय मुद्रा में है, यानी फियरलेसनेस बोल सकते हैं आप। फियरलेसनेस एंड प्रोटेक्शन का सिंबल है ये। जो लेफ्ट हैंड है वो मेडिटेशन यानी ध्यान मुद्रा में है, और जो राइट हैंड है वो अपवर्ड फेस कर रहा है, फिंगर्स आप देखिए, तो इसका मतलब है कि वो हेवन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये देखिए इधर कितने सारे प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं, ये कम से कम लाखों की संख्या में है, और इनमें सिर्फ एक ही मंत्र लिखा हुआ वो है ओम मणि पद्मे हूँ। सो ये जो प्रेयर व्हील्स हैं इनको घुमा घुमा के जो मंदिर है, जो टेंपल आप देख रहे हैं अंदर, उधर जाना होता है। ट्रैवलर्स होते हैं जो इतने सारे नहीं घुमा पाते हैं, तो वो क्या करते हैं लास्ट में ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं प्रेयर व्हील, इसको घुमा देते हैं। यहाँ पे बुद्धा जी की मूर्ति है, वहाँ पे देखिए ऊपर मम्मी चाची बुआ और निशु खड़े हैं, वो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, हम यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गए। सो अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और आपको ऊपर से व्यू दिख रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है, इतने सारे प्रेयर व्हील्स एक साथ। गाइस रात होने लग गई है और व्यू काफ़ी शानदार है यहाँ का। अभी हम आधा घंटा और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बुद्धा गार्डन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। ये मेरी दीदी है। गाइस कल मेरे पापा का बर्थडे भी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एज अ गिफ्ट, और सब्सक्राइब कर देना तो बहुत बड़ा ज्यादा गिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस। हैप्पी बर्थडे। जानी थोड़ा सॉरी।